गिलोय एक ऐसा औषधीय पौधा जिसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए हर रोग से लड़ने की वो शक्ति देगा जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आपको इस्तेमाल करना है गिलोय का, बस ये जान लीजिए। लेकिन एक बात इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ये वीडियो आपको वो 4-5 जबरदस्त फायदे और जबरदस्त इसके इस्तेमाल बताएगा गिलोय के, वो तो सही है, पर एक चीज हम हर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं भारत की। गिलोय जो गिलोय घनवटी टैबलेट्स के फॉर्म में मिलती है, गिलोय जूस के फॉर्म पे मिलती है जो कि पैकेज्ड होती है, कृपया उसका सेवन करने से बचे। ये होता यह है कि गिलोय जो होती है जब घनवटी टैबलेट के फॉर्म पे बनती है तो सोचिए जो कंपनियां होती हैं वो कितने सारे टैबलेट्स का उत्पादन करती हैं। इन्हें सब लोहे से बने कारखानों से और मशीनों से पास होकर निकलना पड़ता है, तो ऐसे में इनकी औषधीय गुणवत्ता खत्म होती है और रासायनिक मिलावट जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी मिलावट से ये और ज्यादा हानिकारक हो सकती है, बजाय फायदा देने के ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर चाहे वो गिलोय का जूस हो जिसे साल साल भर रख कर बोतलों में बेचा जाता है या फिर गिलोय की घनवट्टी टैबलेट्स, हम तो ये कहेंगे आप सबसे कि आप गिलोय का एक पौधा एक गमले में अपने घर पर ही लगाएं। अगर आपका घर छोटा है, फ्लैट्स में रहते हैं, तो भी आपको बताना चाहेंगे एक छोटे से गमले पे कम सनलाइट में भी जो गिलोय का पौधा होता है वो आसानी से पनप जाता है, बड़ा हो जाता है और आपको चाहिए होते हैं 5-10 ग्राम हर नुस्खे को बनाने के लिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कैसे आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए। तो गिलोय का सबसे बेहतरीन जो होममेड रेमेडी है वो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको लेना है गिलोय का तना स्टेम, उसकी जो डंडी होती है तना रहता है वो लेना है, न पत्ती लेनी है न जड़ लेना है। आप सूखा हुआ वो भी यूज कर सकते हैं जो पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक शॉप्स में मिलता है, या आप अपने घर पे गमले पे उगाए हुए गिलोय के तने को ले सकते हैं सीधी तरीके से तोड़ के। इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, इसे आपको पत्थर से बने सिलबट्टे पे कूटना है, तभी इसका असली फायदा आप सबको मिलेगा। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि गिलोय का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आपको लेनी है वही गिलोय का तना लेना है आपको, 5-10 ग्राम तक का लीजिए, इसे अच्छी तरीके से कूट लीजिए पत्थर के सिलबट्टे में, उसके बाद इसे एक ग्लास पानी में मिक्स करके 10 ग्राम इस पेस्ट को, गिलोय के तने के पेस्ट को आप गैस पर चढ़ाइए और एक ग्लास पानी को आधा ग्लास होने तक उबालते रहिए मध्यम आंच में। जब ये आधा ग्लास हो जाए तो इसे रख दीजिए, रात भर इसे रुके रहने दीजिए, सुबह जब आप उठते हैं तो कुनकुना पानी पीने के बाद इस आधे ग्लास काढ़े को एज इट इज आप ले लें, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको जो सीजनल बुखार, सर्दी, खांसी, मौसम चेंज होने की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आधा ग्लास ये जो काढ़ा है लेंगे, सबके लिए एक ही इसका डोसेज है आधा ग्लास काढ़ा, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर का जो इसका होम रेमेडी है वो कैसे तैयार होता है। आपको लेना है एक 10 ग्राम तक का जो तना होता है गिलोय का वो ले लिए, साथ में हल्दी लीजिए आधे इंच की, आधे इंच का अदरक लीजिए, थोड़ी शहद लीजिए और उसके बाद इन सब चीजों को सिलबट्टे पर अच्छे से पेस्ट बना ले, कूट कर पेस्ट बना ले, फिर चुटकी भर इसमें काली मिर्ची डाल लें, ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, एक चटनी सी बन जाएगी। इसके बाद आप इसमें आराम से इस चटनी को स्टोर करके रखिए, आज बनाइए और कल इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, उससे ज्यादा देर तक मत रोकें। आपको करना यह है कि इस चटनी को आपको दिन में 3 बार, जब भी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इन तीनों मील्स के पहले आपको इस चटनी को चाटना है थोड़ा थोड़ा और उसके बाद खाना अपना भोजन जो है वो खा लेना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, शरीर में बदन में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा और सीजनल बीमारियों से आपकी पूरी तरीके से रक्षा करेगा ये जो नुस्खा है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो। ये दो नुस्खे अगर आपने अपना लिए अपने लाइफ में तो ये मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी 10 फोल्ड तक बढ़ सकती है, 10 गुना तक बढ़ सकती है। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी चाहें इस बेहतरीन आयुर्वेदिक रेमेडी का घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। आप बीमार हो या स्वस्थ हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर शख्स इसे ले सकता है, हर व्यक्ति इसे ले सकता है, किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसे ले सकता है और इसका आयुर्वेदिक लाभ पा सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक गिलोय की इस बेहतरीन वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी स्वास्थ्य लाभ ले सके गिलोय का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।